Dear students, welcome once again. Myself Roshan Lal, lecturer electronics, Government Polytechnic College, Barmer. अभी तक हम लोगों ने काउंटर डिजाइनिंग सीरीज में बेसिक्स ऑफ काउंटर्स एंड देन असिंक्रोनस काउंटर में लास्ट लेक्चर में 3-bit रिपल काउंटर को डिस्कस किया. उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है उनके बारे में जाना और 3-bit रिपल काउंटर को डिज़ाइन किया. आज हम लोग डिकेड काउंटर डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें टोटल 10 डिफरेंट स्टेट्स होती है, इसीलिए इसको मोड 10 काउंटर भी कहते हैं. यदि यह काउंटर 0 से 9 को काउंट करे, इस सीक्वेंस को काउंट करे, तो इसे BCD काउंटर भी कहते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 3 फ्लिप फ्लॉप की सहायता से मैक्सिमम 8 स्टेट्स को ही एड्रेस किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कैपिटल एन इक्वल टू 2^(n), जहाँ पर n नंबर ऑफ बिट्स के और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं. तो n = 2^3 मीन्स 8 स्टेट्स को ही एड्रेस कर सकते हैं. बट हमें मोर 10 काउंटर कर बनाना है, इसीलिए हमें कम से कम 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी. यदि हम 4 फ्लिप फ्लॉप काम में लें तो उससे 4-bit काउंटर बनेगा, जो कि टोटल 16 स्टेट्स को एड्रेस करेगा. बट हम मोड 10 काउंटर बनाना चाहते हैं, तो इसी 4-bit काउंटर को ही डीकोडिंग लॉजिक की सहायता से हम मोड 10 काउंटर बनाएंगे. आइए हम देखेंगे कि इसमें डीकोडिंग लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. पहले 4-bit काउंटर को समझेंगे. अब उसको बनाने में हमें फ्लिप फ्लॉप पे एक क्लियर इनपुट के बारे में जानना होगा, उसी को ही हम इसमें उपयोग लेंगे. क्लियर इनपुट एक प्रकार का ओवरराइडिंग इनपुट होता है, क्योंकि यदि फ्लिप फ्लॉप में उसके इनपुट है, लेट्स से यहाँ पर JK फ्लिप फ्लॉप शो कर गया, तो JK फ्लिप फ्लॉप है, इनपुट क्लॉक है, उसके 2 आउटपुट Q और Q बार है. तो यदि क्लियर पे हम 1 लगा देंगे एक्टिव हाई, तो यह फ्लिप फ्लॉप को 0 पे सेट कर देगा, मीन्स इसका आउटपुट 0 हो जाएगा. यह दूसरे इनपुट पर इसकी प्रायोरिटी हाई होती है. इसी फीचर को हम डीकोडिंग लॉजिक की सहायता से ए 4-bit काउंटर को हम डिकेड काउंटर बनाएंगे. तो सबसे पहले जानते हैं 4-bit काउंटर का सर्किट. हमने पिछले 3-bit ट्रिपल काउंटर की तरह यहाँ पर 4-bit काउंटर बना रखा है. पहले आप सर्किट देखिए, जो ये रेड लाइन से जो सर्किट ड्रॉ कर रखा है डिकोडिंग लॉजिक को छोड़ के, बाकी जो सर्किट बना रखा है ये 4-bit काउंटर का है. इसमें JK फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में काम में लिए गए हैं. क्योंकि हमने पिछली ही क्लास में डिस्कस किया था एसिंक्रोनस काउंटर बनाने में हमें फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में चाहिए. टॉगल मोड मीन्स जब जब क्लॉक अप्लाई होगी तब तब फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट्स 1 से 0, 0 से 1 टॉगल करेगा. तो यह सर्किट हम समझ चुके हैं. सारे J और K इनपुट को 1-1 दे रखा है, इसी कंडीशन में ही JK फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में काम में आता है. सिस्टम क्लॉक को पहले फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट किया गया है और यही फ्लिप फ्लॉप LSB फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा, इसलिए इसका आउटपुट Q0 हो जाएगा. यही Q0 आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप FF1 की क्लॉक डिराइव करेगा और इसी सेकंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q1 नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक बन जाएगा और इस तीसरे फ्लिप फ्लॉप का ही आउटपुट Q2 नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप FF3 की क्लॉक बन जाएगा. इस तरीके से यह एक 4-bit काउंटर बन जाएगा. इसके साथ साथ एक और इनपुट जिसकी अभी बात की है, क्लियर इनपुट को भी यहाँ पर शो कर रखा है. चलिए इस 4-bit काउंटर के पहले वर्किंग समझते हैं और इसी से ही समझेंगे कि इसको मोड 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो इसकी हमने ट्रुथ टेबल बनाई. चारों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट Q0, Q1, Q2 और Q3 को यहाँ पर शो कर रखा है. हमने यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स काम में लिया है, मींस जब जो कि पहले LSB फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट कर रखी है. तो जब जब नेगेटिव एज ट्रिगर होगी, मींस क्लॉक 1 से 0 जब जब मूवमेंट करेगी अप्लाई होगी, तब तक LSB फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट को चेंज करेगा. तो जैसे ही फर्स्ट क्लॉक हमने अप्लाई की,
तो क्यू जीरो जीरो से वन हो जाएगा, परंतु क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री में कोई चेंजेज नहीं आएंगे। सेकेंड क्लॉक जैसे ही अप्लाई की, अगेन क्यू जीरो आउटपुट अपनी पोजीशन वन से जीरो में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि क्यू जीरो आउटपुट ही नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक है, और वन से जीरो जाना मींस नेगेटिव एज ट्रांजिशन होना, तो मींस इस समय अब क्यू वन भी अपनी पोजीशन टॉगल कर लेगी, जीरो से वन हो जाएगी, परंतु क्यू टू और क्यू थ्री की स्टेट्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरी ट्रुथ टेबल में क्यू जीरो प्रत्येक क्लॉक पर ट्रांजिशन हो रहा है, जीरो से वन, जीरो से वन, जीरो से वन, परंतु क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री हर बार परिवर्तन नहीं होते। क्यू वन जब जब क्यू जीरो वन से जीरो होगा तब तब ही ट्रांजिशन करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही क्यू जीरो वन से जीरो हुआ, क्यू वन जीरो से वन ट्रांजिशन हो जाएगा। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो क्यू जीरो वन से जीरो हुआ, तभी ही क्यू वन वन से ए अपनी अवस्था में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट जब जब क्यू वन भी अपनी स्टेट वन से जीरो करेगा, तभी क्यू टू आउटपुट ही अपनी स्टेट्स को टॉगल करता है ए। इसी प्रकार सारी इस ट्रू टेबल को ऑब्जर्व करें तो देखते हैं कि नाइन्थ क्लॉक पल्स के बाद हमारा जो आउटपुट आ जाता है 1001। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इस ट्रू टेबल में टोटल 10 स्टेट्स 0000 से लेके 1001, ये टोटल 10 डिफरेंट स्टेट्स हो गई जो मोड 10 काउंटर को काउंट करनी है, इसलिए इसको मोड 10 काउंटर कहते हैं। अब ये 4-bit काउंटर है, ये 10th स्टेट के बाद 10th क्लॉक पल्स, 10th, 11th, 12th आगे सारी की क्लॉक पल्स पे डिफरेंट स्टेट्स में आ जाएगा। बट मोड 10 काउंटर में हम चाहेंगे कि ये जो नेक्स्ट इस टोटल 10 स्टेट्स के बाद में काउंटर अपनी इनिशियल पोजीशन 0000 पे आ जाए, मींस 10th स्टेट का जो आउटपुट है 1010 वो 0000 इनिशियल स्टेट्स पे रीसेट होना चाहिए। इसलिए हमें Q1 और Q3 जो कि अभी 10th स्टेट में 11 है, इसको रीसेट करना होगा, इन दोनों को रीसेट करना होगा, इसीलिए हमें क्लियर इनपुट की आवश्यकता पड़ेगी। आइए देखते हैं। तो इसी Q3 Q1 जो कि अभी हाई है, इन्हीं को एक एंड गेट की सहायता से एक डीकोडिंग लॉजिक तैयार करेंगे, इन दोनों से ही आउटपुट लिया और इस एंड गेट के इनपुट पे लगाया। एंड गेट का इनपुट Q3 1 है, Q1 भी 1 है, तो आउटपुट भी हाई होगा। यही हाई आउटपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप के क्लियर पे जैसे ही लगा देंगे, तो जब जब Q3 और Q1 10th क्लॉक पल्स में हाई होंगे, तो यह हाई आउटपुट एंड गेट के इनपुट में आ जाएगा, एंड गेट का आउटपुट एक्टिव हाई हो जाएगा और यह क्लियर को कनेक्ट, जैसे क्लियर पे 1 आ जाएगा, यह इन दोनों फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स को ओवरराइड करके आउटपुट 0000 देगा। उस समय चारों फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स 0000 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड फ्लिप फ्लॉप की स्टेट तो हम फर्स्ट और थर्ड फ्लिप फ्लॉप की स्टेट तो ऑलरेडी 0000 है, और इन दोनों की स्टेट को हमने क्लियर से ओवरराइड कर लिया, तो अब चारों ही फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स 0000 होगी, मींस अब 1001 से ए यह सेटअप 0001 में वापस इनिशलाइज हो जाएगा, और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। इस डिकोडिंग लॉजिक की सहायता से यह काउंटर हर बार टोटल 10 स्टेट्स को ही काउंट करेगा। ओके, थैंक यू।